बहुत ही सौभाग्य का क्षण है और 550 वर्ष लोगों ने इस पल के लिए प्रतीक्षा की है। 550 वर्ष की बेचैनी, उद्विग्नता, लोगों के अंदर का जो दुख था, क्षोभ था, उसका विपरीतीकरण हुआ है। इसीलिए ये आनंद का पर्व है और मनोज जोशी जोश में है। ये परमानंद का क्षण है। आप दोनों ने क्या कार सेवा आप कर रहे हैं इकट्ठे? मेरे ताऊजी चूंकि विश्वेंदु परिषद के केंद्रीय मंत्री थे तो उनके साथ जाना होता था संकट मोचन मंदिर अपनी यामाहा पर बिठाकर आचार्य रामनाथ सुमन पुण्य श्लोक। तो उस समय में 4 अक्टूबर की जो रैली थी जिसका उन्होंने संचालन किया था उसके ठीक पीछे में खड़ा हुआ था जहाँ रितंबरा जी बोली थी। वो 10 लाख का ज्वार और उसका गुस्सा, उसकी व्याप्ति देखी थी, तो आज उन आंसुओं का प्रतिफल मिल रहा जी। थैंक यू। बस मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं ये थोड़ा सा प्लीज, मेरे अकेले की अनुभूति नहीं है। यहाँ आए हुए प्रत्येक ये जो भी राम भक्त यहाँ आया है उसकी अनुभूति भी बहुत ही सेम है, किसी की कम ज्यादा नहीं है। और यहाँ आए हुए और भारतवर्ष में जो टीवी पर देख रहे हैं और हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय के मन में आज वो आनंद है, वो परमानंद है कि राजा राम स्वयं यहाँ आज राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं और आज ये दिव्य स्वरूप पूरा भारतवर्ष देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। यह आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भावुक है इस समय और वो भावुकता शब्दातीत है। आप मोदी जी के बारे में काफी नैरेटिव बोलते रहे हैं जी, मंदिर को लेकर मोदी जी को आप किस तरह से? मैं निश्चित एक चीज अवश्य कहूंगा कि मोदी जी के कार्यकाल में यह मंदिर हुआ है और निश्चित रूप से भगवान राम ने ही उन्हें भेजा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में राज्य राम, मुझे नहीं, हर एक व्यक्ति को लगता है कि राम राज्य की आरंभ हो चुकी है, राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू मनोज जी।